सुधार किया राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग इनवाइटिंग हिम ना एंड हिज पेरेंट्स टू द बर्थडे पार्टी ऑफ योर निफ्यू Mention the time, date and place party in your letter. हाँ तो उसको समझ लेंगे कि अब पांच तरह से लिखेंगे इस पर. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अटेंड बर्थडे पार्टी नेक्स्ट संडे, यानी अगले रविवार को बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आपको आमंत्रित करना है अपने मित्र को. ठीक है, अब यहाँ क्या है कि पहले इसको देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का अर्थ सही से समझ में नहीं आएगा तब तक लेटर आप सही नहीं लिख सकते हैं. इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो कि क्वेश्चन का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कह क्या रहा है, किसको लिखना है और क्या लिखना है. यही बॉडी ऑफ लेटर है. ठीक है, तो राइट ए लेटर यानी एक पत्र लिखिए. किसको? टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को. इन्वाइटिंग यानी आमंत्रित करते हुए. हिम एंड हिज पेरेंट्स, यहाँ मित्र को भी और उसके पेरेंट्स को भी, माता पिता को भी आमंत्रित करना है. टू द बर्थडे पार्टी ऑफ योर नेफ्यू, अपने भतीजे की, अपने भतीजे के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित करना है. या यह भी हो सकता है कि आपको अपने बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करते हैं, बात तो सेम है भाई. बर्थडे पार्टी चाहे भतीजे की हो चाहे अपनी हो, थोड़ी सी मैटर चेंज करना पड़ेगा. अब एक ही लेटर से हम कई लेटर्स को समझें. तो यहाँ क्या है, नेफ्यू के, अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आपको बुलाना है. मेंशन द टाइम, मेंशन माने दर्शाइए. द टाइम यानी समय को, डेट यानी दिनांक एंड प्लेस और स्थान को आप पार्टी, यानी पार्टी का डेट प्लेस और दिन जो है वो टाइम भी बताना है आपको. इन योर लेटर, अपने पत्र में ही दर्शाना है, यानी इन सब चीज़ों को आपको पत्र में दर्शाना है. अब ऐसे बनाइए इसको कि ये बातें इसमें पत्र में आ जाएं. तो अब मामला क्या है कि पत्र, हमने बताया था कि पत्र या तो खुशी के होंगे या दुख के होते हैं. खुश के हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, दुख के हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू. भाई इस तरह से, यानी लेटर की जो बिगिनिंग करनी है वो यदि प्रसन्नता का है तो प्रसन्नता से भरे लिखना है, और दुख से है तो दुख से भरे हुए शब्दों को ही लिखना है. अब यहाँ सबसे पहले जो पत्र का स्ट्रक्चर है, जो हम पत्र लिखते हैं उसका एक स्ट्रक्चर है, यानी ढांचा है, प्रारूप है, फॉर्मेट है. तो फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं. एड्रेस किसका लिखते हैं, तो पत्र लिखने वाला अपना पहले अपना एड्रेस लिखता है. जैसे हम लिखते हैं, पहले अपना एड्रेस हो गया कसिया खुर्द, पोस्ट डाल दो नीचे हो गया कसिया कला, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया हो गया सोनभद्र, और ये हो गया आपका यूपी. ठीक है, अब यहीं पर आपको क्या करना है, आप चाहें तो यहां पिन नंबर दे सकते हैं. ठीक है,
और यहीं पर आप चाहें तो अपना वो, अब चूंकि आप पत्र लिख रहे हैं का उसमें बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तब वहाँ आपको मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखना है, अन्यथा यदि आप सामान्य लेटर कहीं लिख रहे हैं तो वहाँ आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, अपना अपना जो है ईमेल एड्रेस वगैरह भी दे सकते हैं। फिलहाल कॉपी में अभी हम बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं इसलिए इसमें हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका एड्रेस हो गया, यहीं पर आप डाल देंगे डेट। डेट क्या है आज, 17th November 2024 3 2 3। मुझे क्या हो गया 23 या 24, एग्जाम तो 24 में ही देना है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, ये एड्रेस में हो गया। फिर यहाँ आप लिखेंगे किसको लिखना है, अपने मित्र को लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे माई डियर फ्रेंड, कौन जो भी नाम हो, ठीक है, प्रतीक, माई डियर फ्रेंड प्रतीक, ठीक है। अब यहाँ हो गया आपका, ये हो गया उसका सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद अब हमको बिगनिंग करनी है, तो अब यहीं पे बिगनिंग करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट, लिख दो यहाँ, इन्फॉर्म मत करो, यहाँ डायरेक्ट इनवाइट करो, मैं खुश हूँ किससे, टू इनवाइट यू, आपको आमंत्रित करते हुए, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट यू एंड योर पेरेंट्स, भाई दोनों को ना आमंत्रित करना है, आपको और आपके माता पिता को। आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट यू एंड योर पेरेंट्स ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ माई नेफ्यू, ठीक है, यानी मैं अपने भतीजे के बर्थडे पार्टी में आपको और आपके माता पिता को आमंत्रित करते हुए बड़ा प्रसन्न हूँ, ठीक है। अब ये इसी में अब जोड़ देना है, तो ये कब है, इट विल बी हेल्ड होल्ड ऑन 28 November 2023 ऑन मंडे, यही ना, ऑन मंडे सोमवार को द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड, मनाई जाएगी एट माई होम इन द इवनिंग ठीक है, इन द इवनिंग या एट माई होम इन द इवनिंग एट 7 o'clock ना, 7 o'clock 7 बजे शाम को, हो गया, समय भी हो गया ना, प्लेस भी हो गया, दिन भी हो गया,
दिनांक भी हो गया जितना उसने दर्शाने को कहा था, यही ना कहा है ऊपर लेटर में, तो जितनी बात उसने कहा उतनी बात दर्शा दिया मैंने। अब ये जिसके पास जाएगा उसको समय स्थान सब पता हो गया, उस समय पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और जोड़नी होगी, यहाँ तो आप आमंत्रित कर चुके हैं लेकिन यहाँ आप अगेन रिक्वेस्ट, क्योंकि आएंगे हम, यानी ये हमने दर्शा दिया कि कब और कहाँ और कैसे मनाया जाना है। अब आगे लिखेंगे कि आई हार्टली इन्वाइट यू, हार्टली इन्वाइट यू एंड योर पेरेंट्स ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर मैं आपको और आपके माता पिता को हृदय से आमंत्रित करता हूं, ठीक है। और यहीं पर लिख दीजिए ईगरली वेटिंग, ई ए जी ई आर एल वाई, ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए, ठीक है। अब यहीं पर लिखेंगे योर्स लविंग फ्रेंड एक्स वाई जेड, ठीक है। बात समझ में आ गई ना सबको, क्या हो गया फिर से देखिए, पहले एड्रेस लिख दिया, ठीक है, फिर डेट दे दिया, फिर उसके बाद ये सैल्यूटेशन है, माय डियर फ्रेंड प्रतीक, आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट यू एंड योर पेरेंट्स ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ माय नेफ्यू, आई विल इट सॉरी यहाँ आई नहीं होगा इट होगा ना, इट विल बी हेल्ड होल्ड, इट विल बी हेल्ड होगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा यहाँ, इट विल बी हेल्ड ऑन 20th November 2023 ऑन मंडे, द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड एट माई होम इन द इवनिंग एट 7 o'clock, आई हार्टली इन्वाइट यू एंड योर पेरेंट्स ऑन दिस ओकेजन, ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, योर्स लविंग फ्रेंड एक्स वाई जेड।